अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है खिचड़ी। हम लोग यहाँ पर मटर गोश्त वाली खिचड़ी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। एक चम्मच हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है और फिर हम लोगों ने इसके अंदर जो पेस्ट शामिल कर दिया है लहसुन अदरक, इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। ये हमारी अपनी फैमिली की जो सी रेसिपी है इसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम लोग आज जो मटर और गोश्त वाली खिचड़ी बनाना सिखा रही है मेरी जो सी नानो, मेरी अम्मी जान, वो बहुत ज़्यादा बनाती होती थी। तो आज हम अपनी फैमिली की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम लोगों ने तकरीबन इसके अंदर एक चम्मच नमक का शामिल करना है और इसी तरह हम लोगों ने जो है एक चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करना है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो शामिल करना है वो है हल्दी पाउडर। अच्छा, वही सारे आम से मसाले जो हम लोग मतलब गोश्त को जब तैयार करने के लिए रखते हैं तो उसके अंदर डालते हैं, इसी तरह हम लोगों ने नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर सब कुछ इसके अंदर शामिल कर दिया है। गोश्त को पहले हम लोगों ने पकाना है और उसके पकाने के बाद हम लोग जब ये पक जाएगा तो इसके अंदर हम लोग मटर शामिल करें, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी गोश्त और मटरों की खिचड़ी है। खिचड़ी तो बहुत बनती है लेकिन आज जो हम आपको सिखा रहे हैं ये ज़रा स्पेशल है, हमारी अपनी फैमिली की रेसिपी है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखना है कि जो से मज़ेदार सी ये जो हम लोग गोश्त वाली खिचड़ी तैयार करें कैसे बने, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है। जी, तो वीवर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज आप लोगों को गोश्त और मटर वाली जो सी खिचड़ी, हाँ जी, बहुत अच्छी बनती है, वो बनाना सिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने गोश्त जो था पकने के लिए रखा हुआ था और इसी दौरान हम लोगों ने जो है इसके अंदर मटर डाल दिया, लेकिन मटर हम लोगों ने तब शामिल किए हैं जब जो गोश्त है वो गल गया। तो क्योंकि हम लोगों ने मटरों और गोश्त वाली खिचड़ी तैयार करनी है तो गोश्त को हम लोगों ने पहले तैयार कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने मटर डाल दिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका लुक कैसा है, यहाँ पर थिकनेस कैसी है, गोश्त का मसाला वो तैयार हो गया है। हम लोगों ने चावलों को वहाँ पर भिगो दिया है और अब वो अब हम लोगों ने देखना है कि मज़ीद हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या शामिल करना है और जो से मज़ेदार थी आज की हमारी फैमिली की, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, ये हमारे अपने घर की खिचड़ी हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। खिचड़ी तो बनती है लेकिन हम लोग आज आपको गोश्त और मटरों वाली खिचड़ी सिखा रहे हैं। ये एक चम्मच ज़ीरे का डाल दिया मैंने, बाकी मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मसाले कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, इसलिए एक चम्मच जीरा और हम लोग अब इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं ये दादरी हुई मिर्चें आधा चम्मच जायके के लिए। तो ये जो मिर्चों वाली खिचड़ी हम तैयार करेंगे तो वो वाली खिचड़ी होती है ना जो मतलब बीमार लोगों के लिए तैयार की जाती है, जिनको मतलब खाने पीने का परहेज़ कहा जाता है। तो ये मिर्चों वाली खिचड़ी है, गोश्त और उसके अंदर हम लोगों ने मटर शामिल किए हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर दादरी मिर्च डाल दी है, ज़ीरा डाल दिया, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको हिलाएँगे। अब मज़ीद हम लोग क्या करेंगे मम्मा? अब मैं तेल डालूँ या घी डालूँ, जैसे भी आपकी मर्जी, इसकी भुनाई करेंगे फिर हम लोग। यानी कि अगर व्यूअर्स आप लोगों ने घी शामिल करना है या कुकिंग ऑयल तो आप लोगों ने इस स्टेज पर आकर मतलब पहले आप लोगों ने गोश्त को तैयार कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर जो मटर है वो शामिल कर लेने हैं और फिर आपने इसके अंदर जौन सा है ज़ीरा और दादी मिर्च वो डाल दी है, उसके बाद आप लोगों ने जौन सा कुकिंग ऑयल है वो शामिल करके इन सब चीज़ों की अच्छे से भुनाई करनी है। चले, मैंने डाल दिया ये भूनना, ये भूनते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स को अच्छी तरह से भूनते हैं और देखते हैं कि जो हमारी मज़ेदार सी गोश्त और चने वाली खिचड़ी है वो कैसे तैयार होगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना। तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने इसको 5 मिनट भून लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर 1 कप जो पानी का वो शामिल कर दिया है, इसको पकने के लिए अब रख देंगे और फिर मज़ीद 5 से 10 मिनट पकाएंगे हम लोग इसको। नहीं, ये उबाला आ जाए फिर चावल डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ एक उबाल दिलाना है और उबाला दिलाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो चावल है वो डाल देने हैं और जो फिर हमारी मज़ेदार सी खिचड़ी की रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। जी, तो नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो पकने लग गया है, जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि जब पानी पकने लग जाएगा इसको उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर हम लोग चावल शामिल कर देंगे।
तो अब हम लोग इसमें चावल शामिल कर रहे हैं। चावल डालने के बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद हम उसको दम पर रख देंगे। तो जो सी फिर हमारी मज़ेदार सी गोश्त और मटर वाली जो सी खिचड़ी है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम इसके अंदर चावल शामिल कर रहे हैं। चावल शामिल करके आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने इसके बाद कैसे इसका पानी कितना रिड्यूस करना है, कब उसको दम पर लगाना है और किस तरह की जो हमारी मज़ेदार सी खिचड़ी है वो तैयार होगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जौन सा पानी है वो पक रहा है। हम लोगों ने इसको खुश्क करना है, तकरीबन एक कनी रख के हम लोगों ने इसको दम पर लगाना है। तो यहाँ पर अभी पानी खुश्क नहीं, वो पानी खुश्क होने का हम लोग वेट कर रहे हैं और इसको दम पर रखेंगे और देखेंगे जो हमारी मज़ेदार सी खिचड़ी कैसे तैयार होगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये तैयार होगी, इसको हम दम पर रखते हैं और आपको दिखाते हैं 10 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी गोश्त और मटर वाली खिचड़ी है ये तैयार हो गई है। तो ये आप देखें कि जो मज़ेदार सी खिचड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी और मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार हो गई है। मटर है जो वो भी गल गए हैं, गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है और हम लोगों ने आप लोगों के सामने मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार की। कुछ ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगा। हाँ अगर आपको टाइम लगेगा तो सिर्फ ये है कि गोश्त गलने में टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा मामा अगर हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट डे हमारे घर कोई फंक्शन है या कोई ऐसा इवेंट है और हम उस पर बनाना चाहते हैं या किसी ने कोई मतलब हमारे किसी गेस्ट ने रिक्वेस्ट की है तो हम गोश्त एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। हाँ गोश्त गला के ना फ्रिज में रख लें आप। अच्छा मतलब जैसे कि आपने ये हमें पहले दिखाया था कि आपने गोश्त तैयार किया है और उसके अंदर मटर डाले, इतनी स्टेज पे हमें फाइनल करके इसको एक ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे हम इसके वो गर्म कर कर एक उबाल दिला कर एक उबाले के बाद इसके अंदर हम लोग चावल शामिल कर ले तो कोई मसला तो नहीं ना है? नहीं नहीं ठीक है। लेकिन विवर मतलब मैंने आप लोगों के लिए आपकी सहूलत के लिए ये सवाल पूछा है मम्मा से कि अगर आप लोगों ने फिर गोश्त को गलने में टाइम लगता है ना, अगर आप लोगों ने ये खिचड़ी बनानी है तो आप ये देखिए मेरे ना देखिए अकेला अकेला दाना बहुत मज़े की बनी ये ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार बहुत ज़बरदस्त और उम्दा बनी है ये। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल लुक और खुशबू का तो क्या ही कहना, गोश्त भी गल गया है और ये अकेला अकेला खिला खिला चावल का दाना, मटर भी है इसके अंदर, बहुत मज़ेदार सी जो हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। तो मैंने आप लोगों की हेल्प भी करवा दी कि अगर आप लोगों ने मतलब बनाना है, अगर आप मतलब आज ही बनाना है तो आप लोग मतलब जिस तरह हम लोगों ने आप लोगों के सामने सब कुछ किया है तो कर सकते हैं, मतलब 2-3 घंटे पहले आप लोग रख सकते हैं। लेकिन अपनी सहूलत के लिए मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि आप लोग एक रात पहले भी बना कर रख सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट डे, क्योंकि आपने अगर कोई मतलब पार्टी वगैरह या कोई इवेंट है और बाकी काम भी करने हैं तो फिर आपको सहूलत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी आपको। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी ये गोश्त और जो सी मटरों की खिचड़ी है अच्छी लगे। अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमारे चैनल के साथ इस तरह जुड़े रहें, हमें दुआ में याद रखिए। हम आप लोग के दुआ गोएँ इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।